दोस्तों आज हम आपको अश्वगंधा के 7 साइड इफेक्ट के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों अश्वगंधा को अंग्रेजी में इंडियन जिंसिंग या फिर विंटर चेरी कहते हैं। अश्वगंधा का नेचर गर्म होता है और ये नेचर से ड्राई भी होता है। इस ताकतवर चीज से आपको जितना फायदा मिलता है उतना ही खतरनाक इसका साइड इफेक्ट भी होता है। आपने इसका फायदे के बारे में बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे लेकिन इसका साइड इफेक्ट के बारे में बहुत कम वीडियो ही है और ये 100% सच है कि अश्वगंधा से साइड इफेक्ट भी होता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। अश्वगंधा से एलर्जी हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों में एलर्जिक रिएक्शन हो जाते हैं अश्वगंधा से। स्किन रैशेस, इचिनेस, इन्फ्लेमेशन, चेस्ट पेन और सांस लेने में भी दिक्कत आ सकती है। ऐसा होने पर आपको तुरंत अश्वगंधा का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। अश्वगंधा से ब्लीडिंग हो सकते हैं, अगर आपको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो आप अश्वगंधा को अवॉइड करना ही सही रहेगा। अश्वगंधा से आपकी ब्लड शुगर लो हो सकती है, हालांकि डायबिटीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है बट कुछ लोगों में यह देखा गया है उनका ब्लड शुगर बहुत ज्यादा लो हो जाते हैं। अश्वगंधा से बहुत सारे लोगों में डोजीनेस हो जाते हैं, ऐसा होने पर आपको अश्वगंधा तुरंत बंद कर देना चाहिए। अश्वगंधा से लीवर डैमेज हो सकते हैं, अगर आप अधिक मात्रा में लंबे समय तक अश्वगंधा यूज करते हैं तो इससे लीवर भी डैमेज हो सकते हैं। अश्वगंधा से आपको बुखार आ सकते हैं। अश्वगंधा का नेचर गर्म होता है, हफ्ता 10 दिन अश्वगंधा लेने के बाद बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाता है और आपको फीवर आ सकती है। ऐसा होने पर आपको तुरंत अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए। अश्वगंधा को भूलकर भी प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में नहीं लेना है, अगर आप गलती से इस्तेमाल कर लेते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। दोस्तों ये थी 7 साइड इफेक्ट जो अश्वगंधा के इस्तेमाल से हो सकते हैं। हालांकि ये सारी साइड इफेक्ट सबको नहीं होता है लेकिन बहुत सारे लोगों में ये साइड इफेक्ट देखा गया है। अगर आपको इनमें से कोई भी साइड इफेक्ट हुआ है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों अगले वीडियो में आपको हम अश्वगंधा कैसे ले सकते हैं विदाउट साइड इफेक्ट उसके बारे में बताएंगे। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।